नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं वी कंपनी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित, जो कि इस शहर के माने जाने फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत सारे पेशेंट यहाँ से ठीक होके गए हैं, इनका अनुभव जानते हैं, इनसे बातें करते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है और क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पर। यस सर, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और मैं आसो हॉस्पिटल में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो है आसो हॉस्पिटल का, बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है और एडवांस डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम लोग मस्कुलर स्केलेटल से लेकर न्यूरो, सीपी और चेस्ट फिजियोथेरेपी वगैरह बहुत सारे केसेस देखते हैं। स्पेशली हमने जो देखा है इसमें फ्रोजन शोल्डर बहुत ही यूनिक केस होता है। एक्चुअली बहुत आम केस है, बट उसमें यूनिकनेस ऐसे आ जाता है कि लोग अपना हाथ ऊपर नहीं उठा पाते हैं, बहुत परेशानी होती है। तो उस केस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि उसमें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं आसो हॉस्पिटल में। और वो मस्कुलर स्केलेटल के अंदर में आता है। और जैसे अगर देखें न्यूरो के अंदर, तो न्यूरो में फुट ड्रॉप या रिस्ट ड्रॉप, या यूं कह सकते हैं कि जिनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमा केसेस होते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो उस केस में भी हम लोग बहुत ट्रीटमेंट होता है, बहुत अच्छी रिकवरी होती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस केस होता है जिसमें कि एक नस होती है जो कि इंजर्ड हो जाता है किसी भी कारण से, और उसमें हाथ में जो है सेंसेशन नहीं आता है या फिर काम नहीं कर पाता है, तो उस केस में भी हम लोग बहुत बढ़िया से ट्रीटमेंट देते हैं। और हमने बहुत अच्छा केस, सक्सेसफुल केस जो है वो तो किया हुआ है। धन्यवाद। और सर मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जो अस्पताल जाना पसंद नहीं करते हैं या फिर मेडिसिन लेना नहीं पसंद करते हैं, और कभी कभी मांसपेशियों में उनकी अकड़न आ गई, जैसे आपने बताया कि हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, बहुत चलते चलते मोच आ गया, तो उसके लिए वो किसी डॉक्टर से नहीं मिलना चाहते, वो चाहते हैं कि इसी टाइप का फिजियोथेरेपी कुछ हो जाए और एक दो टर्म वो आए और उससे ठीक हो जाए, तो क्या ये संभव है बिना? एग्जैक्टली बिल्कुल संभव है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी राइनेक हो जाता है। राइनेक मतलब जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं या रात में आप सो रहे हैं और आपके गर्दन में मोच जैसा कुछ आ जाता है, तो मसल स्पैजम होता है या मसल सोरनेस होता है, तो उस केस में, या फिर बैक में कुछ बैक पेन हो गया, अचानक से आप कुछ भारी सामान उठा रहे हैं और अचानक से बैक में आपके दर्द शुरू हो गया, बैक लॉक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ यूनिक ट्रीटमेंट हमारे पास जिसमें ड्राई नीडलिंग भी है, तो उस तरीके से हम लोग उसकी सहायता से भी, और बाकी और सारे ट्रीटमेंट हैं हॉट पैक एंड ऑल उसमें। सर अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जो जिम जाते हैं, तो जिम में भी अब मैं देख रहा हूँ कि लोग फिजियोथेरेपिस्ट रख रहे हैं, वो वीकली आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत सारे वहाँ पे यंगस्टर हैं जैसे वो मसल्स गेन के लिए कुछ अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ भी उनका स्कैम वगैरह आ जा रहा है या फिर कुछ ऐसा? बिल्कुल, तो वहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट की मौजूदगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें भी बताना चाहता हूँ। तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स जो होता है, जितने बॉडी में जितने सारे जॉइंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं फिजिक्स अप्लाई होता है। तो अगर हम बायोमैकेनिकली एक्सरसाइज नहीं करें ठीक से, तो उसके कारण क्या होता है कि मसल पुल हो जाता है या फिर ओवरलोड हो जाता है मसल, उसकी वजह से क्रैम आ जाते हैं या फिर कभी कभी स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें बिल्कुल सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर कोई यंगस्टर्स के लिए मैं खासकर ये बात कहना चाहूँगा कि कोई अगर जिम जा रहा है, जिम ज्वाइन कर रहा है, तो बिना एक्सपर्ट एडवाइस के या बिना जिम ट्रेनर के एडवाइस के या फिजियोथेरेपिस्ट के एडवाइस के बिना आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि आपको कितना वेट उठाना ये आपको नहीं पता होता है, लेकिन आपके ट्रेनर को पता होता है कि आपके बॉडी के हिसाब से वो आपको कितना वेट उठाने के लिए अलाउ करते हैं। तो इस तरीके से जो भी एंग्शियस है वो ये एडवाइस ज़रूर लें, किसी भी ट्रेनर के थ्रू ही वो एक्सरसाइज करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस हेल्दी टॉक के लिए।
और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आप भी इस प्रकार की किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं या इस तरह का कोई परेशानी आ रहा है तो आप तुरंत हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित से संपर्क कर सकते हैं। हमारा अस्पताल यहीं जुलन छपरा मुजफ्फरपुर में है, आसव हॉस्पिटल के नाम से। तो आप हमें संपर्क करने के लिए मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, आप इस पर कॉल करके इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।